पर्टिकुलर में कि हमारा एक जंप पंप सिस्टम है, ये जो हम खड़े हैं सर, ये P3 प्लेटफॉर्म में है, ये P3 है सर, दिस इज P2, दिस इज P1 सर, टॉप वाला P3 हमारे लिए यूज करते हैं सर, केवल हम जंप पंप लिफ्टिंग के लिए, फिनिशिंग और पेंटिंग वर्क के लिए सर। P3 पर्टिकुलर यूज होता है केवल जंप पंप लिफ्टिंग, फिनिशिंग एंड पेंटिंग वर्क। उसके बाद हमारा P2 प्लेटफॉर्म होता है सर, यहाँ से केवल शटरिंग का काम होता है, जो हमारा शटरिंग होता है, शटर वर्क होता है, वो P2 से होता है। देन आफ्टर हमारा P1 से सरिया बांधता है, कॉन्क्रीट करता है। इसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए सर हमें पाइन वुड दिया हुआ है, ये हमारे जो आप खड़े हैं सर, ये लोअर प्लेटफॉर्म है, और जो दीपक खड़े थे वो अपर प्लेटफॉर्म स्लाइडिंग। इसका हमारा जो लेंथ है, जो हमारा कैलकुलेशन थे 2.6 है, अपर प्लेटफॉर्म है सर 2.6 प्लस 1 मीटर 3.6। हमारा जो कैलकुलेशन के हिसाब से ये ओवरलैप मिनिमम 150 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है सर, हम 1x1 चाहते हैं। जैसे मैंने सिस्टम लिफ्ट किया तो जब ये कोई भी चीज़ अगर ये उठेगी तो सर हल्का से इसको खींचेगा, तो जनरली अगर मैं 7.5 से लिफ्ट करता हूँ तो कम से कम 20 से 25 mm वो प्लेटफॉर्म खींच सकेगा, इसलिए ओवरलैप हम लोग मिनिमम 150 mm रखते ही हैं। ये हमारा जंप पंप है सर, ये मेन स्ट्रेंजर है, ये जो स्ट्रक्चर है सर, ये मेन स्ट्रेंजर है, जो पीछे वाला इसका सबऑर्डिनेट स्ट्रेंजर है। एक मेन स्ट्रेंजर होता है सर, एक सबऑर्डिनेट स्ट्रेंजर होता है, तीन स्टेज लेवल होता है सर, स्टेज लेवल 3, स्टेज लेवल 2 और स्टेज लेवल 1। स्टेज लेवल 1, 2, 3 सर, स्टेज लेवल 3 में टी प्लेट यूज करते हैं, प्लस एक 3 mm का सेफ्टी प्लेट यूज करते हैं, 3 mm का सेफ्टी नीचे कि अगर कुछ मटेरियल गिरता है तो भी उसको प्लस, अगर मैं जब अपराइट खोलता हूँ सर तो ये टी प्लेट ओपन करूँगा, जब मैं ऐसे देखूँगा तो मुझे डायरेक्ट आर्थ नहीं दिखेगा, डर लगेगा, तो उसके लिए भी हमारा 3 mm का प्लेट दिया हुआ है, 3 mm का प्लेट और डाले। हाँ ये ओपन करो तो ठीक है, नो इशू, नहीं स्टार्टिंग है तो ठीक है, ओपन करके देखा, ओपन हाँ जस्ट लाइक ओपन हो गया, और ये सर वो अपराइट डस्टर ग्रिल है। हाँ हाँ हाँ, अरे मारा देना पड़ेगा, करो करो, ये मेरा P2 है सर, P2 और ये P1 है, ये मेरा स्लाइडिंग पीस है सर। अच्छा, ये सामने में ये स्लाइड होता है सर, स्लाइड। हाँ, ये हमारा रहता है, P3 के लिए अलग लेंथ है, P2 के लिए अलग है, P1 के लिए अलग है सर। ये फिलहाल 4 मीटर का डाला हुआ है, ये स्टॉपर प्लेट है सर, उसके अंदर एक टेफ्लॉन पैड लगा है सर, कि वो इजिली हमारा स्लाइड कोई भी सिस्टम को, उसके बाद ग्रीस भी लगाए ताकि हम लोग का कोई सिस्टम रुके ना, कहीं रुकावट ना। हर एक प्लेटफॉर्म के साथ दो दो हैंडलिंग दिया गया है, और प्लस बीच में एक्सटेंशन के अलग से हैंडलिंग दिया ताकि गैप मिनिमाइज कर सके हम लोग, बस सेफ्टी एट दिया हुआ। ये सर मेरा स्क्रू स्टे जैक है, स्क्रू स्टे जैक, पूरा सिस्टम अंदर बाहर का अलग सेम रहता है, पहले जैक का डिफरेंस रहता है, अंदर में हमारा 2.2 मीटर का जैक लगा रहता है और बाहर में 2 मीटर का लगा रहता है। ये नंबर्स ऑफ एडजस्टमेंट हमारे रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी रेडियस क्या है, अभी हमारा सर इसका रेडियस जो भी होगा सर तुम्हें बता देना, ठीक है उसके ऊपर डिपेंड, क्योंकि जो मेरा वर्किंग प्लेटफॉर्म है हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेस में रहना चाहिए, हल्का सा भी स्लोप नहीं होना चाहिए, और कभी भी आप इंटरमीडियट बता दीजिए क्रॉस बार जो लगा हुआ है जिसको रेस्ट करते हैं, ऑलवेज ऐसा होना चाहिए, अगर आपका एक साइड झुक रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इसको नंबर ऑफ पोल को बढ़ाना पड़ेगा, बाहर में सर नंबर ऑफ पोल को बढ़ाते होंगे, अभी 3 पे, फिर 10 फिट बाद आएगा तो 4 पे हो जाएगा, फिर 20 फिट बाद आएगा तो 5 पे हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म का एडजस्टमेंट इससे होता है, प्लेटफॉर्म का लेफ्ट जो लेवल है वो इससे एडजस्ट होगा, इसी से एडजस्ट होगा, ये जब उठेगा तो सारा सिस्टम का प्लेटफॉर्म को उस साइड से उठा देगा, तो ये लेवल बड़ा हो जाएगा तो आदमी को चाहिए, नहीं तो आदमी सारा के इधर आ जाएगा। आप हमारा प्लेटफॉर्म ये लकड़ी इस पर रिप भी मार रहा है, प्लस नीचे में हमने सर स्टील वेल्डिंग किया हुआ है, और ये टूटता नहीं है सर, नीचे में देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बार हम लोग दे देते हैं ताकि ये मतलब ये से जल्दी ना, फिर भी जब टूटता है तो हम लोग रिप्लेसमेंट, ये हमारा क्या होता है नेक लेवल पे हम ये एक्सटेंशन पीस खोल देंगे, क्योंकि नेक लेवल पे जो हमारा जंप पंप डिस्टेंस रहेगा सर वो आउटसाइड में 3.3 मीटर रहेगा, हमारा इसका मतलब है कि हम कोई भी मटेरियल 3 मीटर से ज़्यादा लंबा यूज नहीं करेंगे, ये तो हमारा सिस्टम नेक लेवल पर फंस जाएगा, उसका भी हम लोग पूरा उसके पूरा राउंड में कितना है ये सर, ये आउटसाइड में 66 है और इनसाइड में 66 है, 66
अंदर बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप अंदर का उठाना चाहे तो अंदर का उठाएं, बाहर का उठाना चाहे तो बाहर का उठा सकते हैं। ये हमारा मेन अपराइट होता है सर, ये मेन अपराइट होता है सर। इसका लेंथ होता है 1500 मीटर सर। एरेक्शन हम लोग करते हैं 3 अपराइट में। अभी जब एक साथ कास्टिंग होते हैं 4th अपराइट लग जाएगा सर। मोटर कैपेसिटी कितना है? ये 3 HP का है सर। हर एक का अंदर बाहर 3 HP? हर एक का अलग अलग सेपरेट। ये जम्पम का ये मोटर है, ये फिक्स हो गया। ये इसका मोटर है सर, ये इसका गियर यूनिट है। इसको हमने सर एल्यूमिनियम कपलिंग, हमारे एक्टिव ब्लॉक है सर, ये एक्टिव ब्लॉक है, ये CI मेटल ये एक्टिव ब्लॉक है सर। दोनों को एल्यूमिनियम कपलिंग से कनेक्ट किया गया। उसके बीच में एक स्टार रबर कपलिंग होता है सर, यहाँ पे स्टार रबर कपलिंग होता है। ये मेरा स्क्रू शाफ्ट है सर, इसका ODE है सर 58 mm, इसका पिच है 12 mm। ये हमारा चेकनेट होता है सर, इसके अंदर वॉर्म गियर दिया हुआ, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। उसके अंदर हम लोग 2 टेपर बैरिंग यूज करते हैं। हमारा मोटर से उसमें वो उसको एक बार थोड़ा सा आपको उठा के दिखाना चाहें, देखना चाहें तो दिखा सकते हैं वो भी। ये हमारा मेन अपराइट है, ये टाई रॉड है, ये VM3 है। ये पूरा जम्पम का लोड सर सब में इक्वली डिवाइड रहता है। ये टाई रॉड को बचाने के लिए हम लोग इसके अंदर एक PVC का पाइप डालते हैं सर, और एक शेयरिंग पीस डालते हैं। पूरा लोड शेयरिंग पीस पे रहता है। थोड़ी देर बाद में क्योंकि अगर मैं PVC पाइप यूज करूँ तो मेरा टाई रॉड फंस जाएगा कॉन्क्रीट के अंदर, तो मेरा वेस्टेज हो जाएगा सर। तो ये टाई रॉड को बचाने के लिए हम लोग अंदर में PVC पाइप यूज करते हैं। और हर एक अपराइट में सर 2 शेयरिंग पीस यूज करते हैं। जो लोहे का है सर, ये शेयरिंग पीस है सर। तो VM3 लूज करना ये, अच्छा ये है सर, ये दिखा रखा है। कैपेसिटी कितने दे किसका सर? ये 7.5 टन का कैपेसिटी ये है इसका। बिलिंग लोड कितना होता है? आता है 4.5। मैं आपको कैलकुलेशन दे दूंगा हर प्लेटफॉर्म का, इसका उसका सारे का टोटल का होल्डिंग लोड 4.4 सेलिंग पीस होता है वो। हां ये रॉड एक पाइप रहता है उसके अंदर, पूरा मत खुलेगा। इसके पीछे में एक पाइप है जो जब लोड आएगा तो वो पाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा सेल को, टाई रॉड और ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखने के लिए। इसमें सर टोटल हम लोग ये हमारा स्क्रू शॉप, हेलो ऊपर में सर ट्रॉली ब्रैकेट है सर, उसमें हमने 28 mm का एक्सेसरी लगा हुआ है। सब को भेज रहा हूँ, हमारा बंदा यहाँ लेके आ जाएगा, ऑपरेट करेगा। एक ऑपरेटर रहेगा हमारे पास जो पैनल ऑपरेट करेगा, एक पैनल एक बंदा रहेगा जो पिन डालेगा सर, जो पिन, और एक बंदा ऊपर रहेगा कि हमारा सर्दी को फंस तो नहीं रहा कहीं। दो आदमी, अगर ये हमारा कोई पैसा फंसेगा तो सर वो रोड ज्यादा बनेगा मोटर का, फाइनली नुकसान हो जाएगा। इतना बोला तो 58 या ODE सर 58। ये सर इसको असेंबल है, इसका हर एक पार्ट अलग होता है सर। हमको असेंबलिंग में सर हमने टोटल 22 नट बोल्ट यूज करते हैं, पर्टिकुलर जम्पम असेंबलिंग में सर, एक्टिव ब्लॉक का काउंटिंग नहीं है। 22 नट बोल्ट यूज करते हैं सर। ये जो स्क्रू स्टेज जैक के लिए 27 का यूज होता है, बाकी पूरा जम्पम असेंबलिंग में 20 का नट बोल्ट यूज करते हैं, 20x180, 20x160, 20x140 का सर। और शादी के साथ सर पाइप स्लिप दिया गया है, क्योंकि सर जैसे मैं हाइट जाएगा रेडियस कम होगा तो उसको इसका डिग्री चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका लेवल चेंज करने के लिए। तो सारे जो भी नट बोल्ट है सर उसमें पाइप स्लिप दिया गया है, 22.5 mm का पाइप स्लिप। ये तो इसका प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन ये जो अंदर ये है ना, ये पाइप स्लिप लगा है ताकि मैं जब मैं डिग्री छोड़ दूँ तो इजीली वो मेरा फ्लेक्सिबल हो, यानी इजी मूव कर सकते। हम डायरेक्ट नट बोल्ट पे लोड नहीं दिया है, जो भी नट बोल्ट है सर वो 10.6 ग्रेड का है, 10.9 ग्रेड का है। 10.9 इसमें कोई ये नहीं है इसमें सर, जो भी है ये हमारा पावर देगा ना सर। ये सर मोटर है, ये पैनल से पावर देगा, यहाँ पे देने के बाद वो उसको लिफ्ट कराएगा
तो हम दिखाएंगे पहले सारा सिस्टम हो गया ना। ये सर लाइफ टाइम भी दिया हुआ है सिस्टम, हमें इसको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। ये बंद है, इसको क्या करें ना, यहाँ पे ये रिंग जो होल्डिंग है ना, रिंग के अंदर से ले लेंगे। ये हमारा पूरा फील होगा सर, तो ऊपर नीचे केवल मेरा ही आदमी रहेगा जो सिस्टम सिस्टम पर ऑपरेटर का, ये जंपम उठ रहा है तो मेरा ऑपरेटर उस जंपम पे रहेगा। ये जो जंपम उठेगा तो कोई नहीं रहेगा, ये रखते हैं कि इस जंपम पे आदमी ना आएगा। ये उठ रहा है और क्या है, जैसे अमोल दूसरा एम्पम से उठाएगा और ऊपर में जैसे शटर बोर्ड खुल जाता है उस समय, तो ऊपर में दो आदमी रहते हैं उसमें, तो शटर बोर्ड को ये करते हैं कि शटर बोर्ड कहीं फंसे ना। उसके बाद यहाँ से जैसे यहाँ से खड़ा होकर ऑपरेट करते हैं, इस प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर ऑपरेट करते हैं, वो ऊपर उठेगा जाके उसको नंबर है। ये हमने टेम्पररी अभी लिखा है, ये हमारा सर्वे का हिसाब से नंबरिंग होगा, नया नंबर आप खाली 1 2 3 4 कर दीजिएगा जब आप दे रहे हैं, एक से जैसे 1 2 5 या 1 2 6 करके पूरा टोटल कर दीजिएगा। ये नंबरिंग हम लिफ्टिंग करेगा ना सर? हाँ, लिफ्टिंग पर लिफ्ट कितना होता है? और एक बार लिफ्टिंग के लिए हम लोग 750 mm को हाइट होगा, 750 अगेन 750 होकर पूरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्ट्रोक 750 होगा, एक स्ट्रोक में 750 mm ही जाएगा। ये हमारा इसका डिजाइन है, इसमें डिजाइन टाइप की जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, अभी क्लोज कर दो। इनसाइड का जंप हम रहता है, इनसाइड वाला में हम लोग शेयरिंग पीस यूज करते हैं सर। जैसे आपने इसको देखा, ये जो है सर, ये VM नट वॉशर है सर, ये नट हो गया और ये वॉशर हो गया सर। इसके अंदर जो लगा है सर, ये VM लगा हुआ है, वो जो ये वाला है, ये VM है, सभी में है, ये सब में लगे हैं। एक जंपर में सर 8 पीस यूज किया जाता है और एक जंपर में सर ये VM नट वॉशर भी 8 पीस ही आएगा, क्योंकि सर ये पूरा लोड है जंप टाई रॉड पे लोड है, क्योंकि अंदर में हमारा जंपर है, तो स्किप ना, उसके लिए हम लोग डबल प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं सर, VM देन VM नट वॉशर सर। ये हमारा हरेक्स ना करे और बाहर की तरफ नहीं जाएगा। क्या है कि सर, जैसे हम लोग जब ये शटर यहाँ, सोचिए ये सेकेंडरी ऑपरेट है तो हमको खोलना है, तो हम इसको लूज करेंगे तभी वो खुलेगा, तो फिर जब उसको जब ये खोल के हटाया जाएगा तब फिर इसके लिए अदर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो हम कैसे खोलेंगे? इसलिए वो प्रोटेक्शन हमेशा ही रहेगा, हमेशा रहेगा अटैच हो। अभी इसके बारे में जो है ना, प्लेटफॉर्म इन साइड का कितना है और इसका कितना, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। विड्थ जो है ना, विड्थ सर हमारा ये अंदर का है सर, ये बाहर का है, 1.5 मीटर मिलेगा, 1.5 मीटर अंदर वाला कितना, अंदर भी सेम सर, सेम रहेगा, वो विड्थ सेम है, खाली थोड़ा लेंथ में छोटा बड़ा एडजस्ट इसलिए किया जाता है। और जो अभी आपने बताया ना, इसको फिर से निकालेंगे, ये सर आफ्टर 22 जब ये पोर्शन, जब ये मेरा लोअर प्लेटफॉर्म अपर पे अप्रोक्सीमेट 200 का ओवरलैप आ जाएगा, तब हम ये एक्सटेंशन पीस को खोलना शुरू कर देंगे। ये एक्सटेंशन पीस खुल जाएगा सर, ये हैंडल खुल जाएगा, स्लाइडिंग का एक्सटेंशन खुल जाएगा, ये स्लाइडिंग का फिर वहाँ से फिर एक रोल आप, फिर ये स्टॉपर प्लेट को खोलेंगे सर हम लोग, फिर यहाँ स्टॉपर प्लेट देंगे। अच्छा, उसके बाद से फिर कंटिन्यू अप टू फिनिशिंग तक जाएगा, वही डिसमेंटलिंग, वही डिसमेंटलिंग। और ये सर स्लाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा स्लाइड पे सिस्टम है सर, अगर कहीं आपका कोई सिस्टम जैसे सपोज सर ये जैसे फंस रहा है, तो ये आपका क्या करेगा, बैंड करते जाएगा प्लेटफॉर्म, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यार ये क्यों हो रहा है, अगर ये फंस रहा है तो आपको माल धकेलेगा, जंपम धकेगा, सबसे कमजोर चीज ही दबती है सर। अगर मेरा स्लाइडिंग फंस रहा है तो जंपम मेरा अभी ऐसा है सर, वो ऐसे होने लगेगा। तो सर व्हील के लिए आप बताए थे, वो व्हील होगा सर, सेल के साथ टच होना चाहिए, पूरा सेल के साथ टच होना चाहिए। ये उसको दिखाओ भाई, व्हील पूरा मतलब टच रहेगा, हाँ टच होगा तो उसी हिसाब से वो अपना ग्लाइड होके चलता रहेगा। अभी एक्चुअल थोड़ा हमको एक्सप्लेन करिए, ये जंप पंप में और जो अभी उधर में गिवन में जो चल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? हमारा की उस उनके सिस्टम में तो हम बहुत ज्यादा नहीं मालूम, हमारा की ये टोटली मोटर ऑपरेटेड है। हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है सर, तीन वर्किंग प्लेटफॉर्म में P1, P2, P3। आप P1 वाले से सर आप सरिया और शटरिंग वाला गैंग रहेगा, P2 पे शटरिंग का गैंग रहेगा, और P3 पे जंपम लिफ्टिंग फिनिशिंग और पेंटिंग वाला गैंग रहेगा। हर एक एजेंसी के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है सर, सेम इनसाइड भी है सर। जैसे हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है सर,
ये मिलके बना एक लोअर प्लेटफॉर्म, एक अपर प्लेटफॉर्म, एक स्लाइडिंग और दो हैंडलिंग सिस्टम। आपको कभी भी कहीं भी हमारा मेजर गैप आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हर एक जगह हमने उसको गैप मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश की। ये हमारा वुडन प्लैंक्स है सर, इसके दो टाइप का वुडन प्लैंक्स है, एक लेंथ है 1500 मीटर और दूसरा है 1450, 50 mm का डिफरेंस। मेटल नहीं, एमएस का ही है, सारा एमएस का, यहाँ भी एमएस का भी है, उधर भी एमएस का है, टोटल ट्रॉली का है। जंप ऑफ कितने टाइप का अभी तक, मतलब अभी इंडिया में हमारा टोटल टाइप ऑफ बहुत है, कम से कम मेरा हिसाब, मेरा जानता हुआ कम से कम 4 से 5 टाइप का यंपम चलता है। और ये हमारा कौन सा टाइप पे, हमारा ये मैकेनिकल ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड विथ मैकेनिकल जैक, बाकी जितना जंपम सिस्टम है लेकिन सारे हाइड्रोलिक वाले, हाइड्रोलिक उनका भी हाइड्रोलिक, जैसे कि अभी हमने बात किया उनका भी हाइड्रोलिक। हमारा सबसे अच्छा है कि सर हमारा है कि हमारे हाथ में हाइड्रोलिक से इलेक्ट्रिकल थोड़ा बढ़िया रहता है, ये इलेक्ट्रिकल है सर, बहुत आपका प्रिसिशन ज्यादा रहता है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं। दूसरा चीज है कि हमारा जो इनका जो है जंप हम विड्थ ये है और बाकी जो कनेक्टिंग उन्होंने डाला है एक्सेस का कोई हमारा नहीं है। हमारा एक्सेस हमारा ये टोटल कंटिन्यूअस रहेगा, आप यहाँ से चलेंगे पूरा घूम के उधर आ जाएंगे, बीच में कहीं डिसकंटिन्यू। उसमें क्या है कि एक जंपम से दूसरे जाने के लिए प्लैंक्स डालना पड़ता है, नहीं तो कई बार क्या होता है गैपिंग है उधर, रेलिंग भी नहीं है उसमें। तुम्हारा डिफरेंट वाला हाइड्रोलिक सीरीज में कनेक्ट सर, मोटर के थ्रू करेंगे तुम्हारा मोटर है, उनका मोटर है, हमारा मोटर लगेगा सर। देखा मैंने, लग रहा है ये सब उनका जो है, उनका हाइड्रोलिक 7.5 HP मोटर है सर, 7.3 HP मोटर है, अच्छा 3 HP इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड विद मैकेनिकल 3 HP मोटर, विद गियर यूनिट। ठीक है, अभी हम लोग मनोज सर, हम लोग अभी क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करके देखो, और सेटिंग है 7.5 टन के, यहां से खोल देंगे और वही वही उतरेगा, ये वाला खाली एक्स्ट्रा मोटर देंगे, दो कपलिंग लगा हुआ है, ये ब्लैक वाला रबर, ये अप्रोक्सिमेट हमको 750 टन करने में 3 मिनट लगेगा, 3 to 4 मिनट लगता है, फिर उसको लिफ्ट हम जो शटरिंग करेंगे वो 1.5 मीटर का करेंगे, जो लेकिन जंप हम लिफ्ट होता है वो फर्स्ट उठेगा 750, फिर 750, मतलब दो स्ट्रोक में उठता है, इसको उठाओ ऑपरेट जो है, ये उठने के लिए एक मशीन लगेगा।
डायरेक्ट में है सर, ऑयल लीकेज है, उसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं एक बार चालू ऑयल फिर प्लान करें। मोटर नॉइस सर वो तो आएगा सर, उतना नॉइस लगा हुआ है सर, खोलिए रेडी है ना,